लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। स्टैंडर्ड नोटेशन में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, जिसमें दो पार्ट होते हैं। इफ जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन इट कंसिस्टिंग ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी विद अ इमेजिनरी यूनिट आयोटा, जहां ए और बी रियल नंबर्स हैं और आयोटा इमेजिनरी यूनिट है, इसको बोलते हैं आयोटा। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट को लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड। जेड क्यों, हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर जेड की, इसलिए लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ जेड। ये कौन है, ए। दूसरा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कौन, बी। ठीक है, आसान भाषा में यूं समझें, जो नंबर आयोटा के साथ लिखा जाता है वो होता है इमेजिनरी पार्ट, और जो विदाउट आयोटा होता है वो होता है रियल पार्ट। इमेजिनरी यूनिट जिसके साथ अटैच्ड है वो इमेजिनरी पार्ट बनाता है। अब हम बात करेंगे मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अगेन हम z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं, तो मॉडुलस ऑफ, यहां कौन है कॉम्प्लेक्स नंबर z, तो मॉडुलस ऑफ z, इसका नोटेशन होता है मॉड ऑफ z से, जहां ये ध्यान देंगे जो क्वांटिटी इसके अंदर लिखी जाती है सिंबल के, उसका मॉडुलस हम फाइंड करते हैं, तो ये इसका नोटेशन है। तो मैथमेटिकली हम अब क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ z मतलब z का मॉडुलस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब मॉड ऑफ z क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ a का स्क्वायर, सॉरी रियल पार्ट ऑफ z, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z है, a उसका रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। तो मॉड ऑफ z होता है स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, और यहाँ रियल पार्ट a है तो a स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट b है तो b स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो गया टू फाइंड मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझें, सपोज मैंने z लिया है 2 प्लस 2 आयोटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है हमने, तो सबसे पहले रियल पार्ट ऑफ z कौन है, 2, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कौन है, दैट इज ऑल्सो 2 हियर। अब अगर हम बात करें कि मॉड ऑफ z
क्या होगा? तो जवाब क्या? इस फॉर्मूले से हम चलेंगे। ये क्या बोलता है? रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ फॉर दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज 2, मतलब 2 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, मतलब इमेजिनरी पार्ट 2, तो 2 का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। 2 का स्क्वायर दैट इज 4, अगेन 2 का स्क्वायर दैट इज 4, तो मॉड ऑफ जेड क्या हुआ? स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 4, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 8। इसको हम और सिंप्लीफाई के लिए क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 8 को 4 इंटू 2 लिखेंगे, और हमें पता है 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट बनेगा 2, तो ये नंबर क्या बनेगा? 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो z इक्वल्स टू 2 प्लस 2 आयोटा अगर एक नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मॉड ऑफ z क्या है उसका? 2 स्क्वायर रूट 2। अगर हम एक एग्जाम्पल लें, z इक्वल्स टू 3 प्लस 4 आयोटा, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके रियल पार्ट की। तो रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा? होगा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा? 4 होगा। अगेन ध्यान दें, आयोटा के साथ जो लिखा है वो इमेजिनरी पार्ट होगा, विदाउट आयोटा वो रियल पार्ट होगा। तो अब इसमें हम बात कर रहे हैं मॉडुलस के, तो अगेन मॉड ऑफ जेड, इन शॉर्ट मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मोड जेड से भी लिखते हैं, बोलने में हम इसको मोड जेड बोल सकते हैं। तो मोड ऑफ जेड क्या? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। 3 का स्क्वायर क्यों? रियल पार्ट ऑफ जेड कौन? 3, और इमेजिनरी पार्ट कौन? 4, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट विल बी मॉड ऑफ जेड। और ये क्या होता है? 9 प्लस 16, ठीक है, ये नंबर क्या बनेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 25। मतलब क्या हुआ? अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 3 प्लस 4 आयोटा, तो कैलकुलेशन से हमें मिला कि उसका मॉड क्या आएगा? मॉडुलस ऑफ 3 प्लस 4 आयोटा इज 5, स्क्वायर रूट ऑफ 25। इसको और क्या लिख सकते हैं? 5 स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर इज 5। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट क्या मिला हमें? 5। अगर मैं लिखूं z इक्वल्स टू 2 आयोटा, तो अगेन सबसे पहले हम बात करेंगे रियल पार्ट ऑफ z की, वो कौन है, और हम बात करेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की, वो कौन है। तो देखिए, हमने बात की थी कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो अगर z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b फॉर्म का है, तो उसमें विद आयोटा जो होता है वो होता है उसका रियल पार्ट, सॉरी इमेजिनरी पार्ट, और विदाउट आयोटा होता है उसका रियल पार्ट। हमारे केस में क्या है? यहां इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0 प्लस 2 आयोटा। तो अब ये सिमिलर हो गया जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a प्लस आयोटा b के,
तो ये क्या बना, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या बना यहां से, यहां से अगर देखें तो बिल्कुल क्लियर है ए होना चाहिए, तो ए कौन है, ए जीरो है, तो रियल पार्ट ऑफ जेड जीरो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड टू, ठीक है। यहां मॉड ऑफ जेड, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ जीरो स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर दैट इज टू, जीरो स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर दैट इज टू, तो मॉड ऑफ जेड क्या हुआ टू, जेड इक्वल्स टू टू आयोटा अगर नंबर है तो उसका मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज टू। अगर हम एक लें जेड इक्वल्स टू थ्री, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिल्कुल है। अगेन इसको हम लिखें जेड इक्वल्स टू थ्री प्लस जीरो आयोटा, ये लिख सकते हैं इसको। तो अब इसको अगर हम मैच करें a प्लस आयोटा b की फॉर्म से तो क्या मिल रहा है, रियल पार्ट ऑफ z कौन है, a जो है a कौन है थ्री, तो ये तो हो गया थ्री, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कौन है, वो कौन हो गया जीरो हो गया। तो विदाउट आयोटा, इसमें कहीं आयोटा नहीं, और हमने पढ़ा a प्लस आयोटा b की फॉर्म में अगर होता है तो ही उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें इमेजिनरी पार्ट जीरो है, तो अगेन मॉड ऑफ जेड क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो थ्री स्क्वायर का स्क्वायर रूट दैट इज थ्री। तो लास्ट टू एग्जाम्पल से क्या था, जेड इक्वल्स टू टू आयोटा और z इक्वल्स टू थ्री, यहां से एक नया नंबर हम बता सकते हैं z इक्वल्स टू टू आयोटा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जीरो है, तो इस नंबर को या ऐसे वो सभी नंबर जहां रियल पार्ट ऑफ z जीरो हो बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी। इस नंबर पे ध्यान दें, यहां क्या है, इमेजिनरी पार्ट जीरो है, इसको हमने क्या लिखा था थ्री प्लस जीरो आयोटा, यहां क्या है इमेजिनरी पार्ट जीरो है, तो इसको बोलेंगे जहां इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का इमेजिनरी पार्ट अगर जीरो होता है तो उसको बोलते हैं हम प्योरली रियल, इसको बोलेंगे हम प्योरली रियल, इसको बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी। तो ये दो कैटेगरी होगी। इफ समवन आस्क यू राइट अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज प्योरली रियल, जस्ट राइट अ रियल नंबर, एंड इफ आस्क्ड राइट अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज प्योरली इमेजिनरी, तो क्या लिखेंगे हम, वो नंबर जिसका रियल पार्ट जीरो हो। यहां से हमें ये दो नए नंबर मिले, और इन शॉर्ट प्योरली इमेजिनरी हो या प्योरली रियल हो, ऐसे किसी नंबर का मॉडुलस अगर हम लें तो वो नंबर ही आएगा। मॉडुलस ऑफ जेड क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, ये है इसका स्क्वायर रूट है। तो अब देखिए अगर मैं बात करूं प्योरली रियल नंबर की,
वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो प्योरली रियल है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसमें क्या आएगा, मॉड ऑफ जेड इज मॉड ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड, क्योंकि ये जीरो है तो स्क्वायर रूट अगेन वी गेट दिस नंबर, और प्योरली इमेजिनरी अगर है तो मॉड जेड क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। यहां हम ले रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, किसी नंबर का, जैसे यहां हम एग्जांपल ले रहे हैं थ्री स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब जब स्क्वायर रूट से नंबर बाहर आए तो प्लस माइनस दोनों हो सकता है, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सपोज फोर, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो, एक्स की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे वो कौन होगी, एक्स इक्वल्स टू टू और माइनस टू दोनों, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फोर है तो दिस इंप्लाइज एक्स कैन बी प्लस माइनस टू। पर हम यहां जब स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो हम केवल और केवल प्लस की बात कर रहे हैं, हम बात करें मॉडुलस ऑफ जेड जो इस मॉड के नोटेशन में लिखा गया है, तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगा, जीरो हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहां हम सिर्फ स्क्वायर रूट में, चूंकि प्लस माइनस दोनों होते हैं, पर यहां हम मॉड की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लेंगे, ध्यान नहीं इस बात पे देंगे हम। इस एग्जांपल पे थ्री स्क्वायर हमने किया था, इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये माइनस थ्री भी पॉसिबल है, और थ्री भी यहां हम क्या ले रहे हैं, प्लस का ही लेंगे। तो ऐसे किसी भी नंबर का हम मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इवेलुएट करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। इन दोनों को जानने के बाद हम उसको इस फॉर्मूले में रखेंगे और हमें दिए गए नंबर का मॉडुलस मिल जाएगा। थैंक यू।